हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो सेफ हो, और एक्सरसाइज करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके बेबी को न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिलेंगे, और जिससे आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे लेग्स में स्वेलिंग होना, थकान होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी एक्सरसाइज करने से कम होगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी प्रेग्नेंट वूमेंस में बहुत कॉमन है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, और जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, यानी कि आपके जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा एक नॉर्मल रेंज में, और आप एक्सरसाइज करने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बच सकते हैं, आपका ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहेगा एक्सरसाइजेस करने से। और एक्सरसाइज करने से आपकी बैक मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स, इनकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे आपको आगे चल के बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की अगर स्ट्रेंथनिंग होती है तो आपको पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उनसे भी आपकी रिकवरी है वो फास्ट होगी, और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज करने से आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपको थकान भी नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सरसाइजेस करने हैं तो आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होता है एक्सरसाइजेस से। एक्सरसाइजेस करने से आपकी ओवरऑल बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे आपको रात को बहुत ही अच्छी नींद आएगी, आपका जो स्लीपिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। एक्सरसाइजेस करने से आपकी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ही सेफ हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बाद एक्सरसाइजेज कीजिए।
तो फ्रेंड्स ये थी सारी सेकंड ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस। आई होप आपको समझ आई होगी। और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस भी डाली है वीडियो में, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप पूरे ट्राइमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए और आपके बेबी के हेल्थ के लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।